हे गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जो इतिहास बनाने वाली है। तो इस मूवी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली है ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहला पार्ट तो यही है जो तुम अभी देख रहे हो, सेकंड पार्ट इस वीडियो के बाद ही आ पाएगा, जो लॉजिक वाली बात है। इस वीडियो को दो पार्ट में लाना मेरा लालच नहीं है, व्यूज का माना करूं, मेरी कमजोरी है। असल में अगर मैं इस मूवी के ऊपर बात करने लगा तो ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि मैं इसको एडिट मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से कर पाऊंगा भाई। तो मैं अपनी वीडियो खुद एडिट करता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है मुझे मेरी वीडियो एडिट करने में। तो इसलिए मैंने सोचा इन वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। तो अपना टाइम बचाते हुए तुम लोगों का टाइम खराब करने आ गए, इस बात को सीरियस मत लेना, मजाक कर। तो शुरू करते हैं फिर। गुरु एक प्राचीन गाथा लिख चुकी है जिसमें भगवान अपने एक नए रूप में आने वाले हैं और बुराई को जड़ के साथ मिटाने वाले हैं। देखो यार, माफ करना ये टाइम में दी जोड़ता हूँ। ये बात तो हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्ग से सुनी होगी कि कलयुग में भगवान विष्णु का एक नया अवतार आने वाला है जिसका नाम होगा कल्कि। ये बात हमारे ग्रंथों में भी लिखी है कि जब बुराई अपने चरम सीमा पर होगी फिर भगवान विष्णु अपने नए अवतार में आएंगे कल्कि बनकर और वो खत्म कर देंगे काली को। गुरु, अगर तुम काली को नहीं जानते तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, काली वो बला है जिसको खत्म करने के लिए कल्कि का जन्म होगा और सातों चिरंजीवी एक साथ आएंगे। काली कौन है और सातों चिरंजीवी कौन है, चलो समझा दो, ज्यादा डिटेल में मत जाना क्योंकि मुझे भी थोड़ा ही पता है यार। तो ज्यादा मेरी गलतियां निकाल लूंगा, बैठना कमेंट में कि तूने गलत बताया था, मुझे जितना पता है मैं उतने बताऊंगा, तो चैन से सुन लेना। सातो चिरंजीवी कौन है? अब आपने ये तो सुना होगा कि हनुमान जी आज तक इस पृथ्वी पे, तो इस कहानी के बारे में थोड़ा मैं जानने लगा। फिर मुझे पता लगा कि हनुमान जी के साथ साथ छह और ऐसे लोग हैं जिनको चिरंजीवी कहते हैं, जो कलयुग में कल्कि का साथ देंगे काली को मारने के लिए। अब वो सातो चिरंजीवी है कौन? पहले है अश्वत्थामा, दूसरे है परशुराम, तीसरे है हनुमान जी, चौथे है राजा बलि, पांचवे है वेद व्यास जी और छठे है विभीषण और सातवें है कृपाचार्य। तो सातों चिरंजीवी है जो कल्कि के साथ काली का युद्ध करेंगे। अब मैं इससे ज्यादा तो डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, मगर इतना समझ लो कि भाई कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब अभी भी और कलयुग में। कलयुग में क्या बड़ा होने वाला है ये तुम्हें पता ही है, थोड़ा मैं बता दूंगा, मगर अभी क्या होने वाला है ये तुम्हें जरूर सुनना चाहिए, कहीं जाना मत, यहीं रहना, बात सुनना। अब प्रेजेंट में जो बड़ा बम फटने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है कल्कि 2898 एडी के ट्रेलर से। हाँ गुरु, ये ट्रेलर सच में इतना अच्छा है, मैंने जब से इस ट्रेलर को देखा है भाई मैं लगातार रिपीट में 7 से 8 बार देख चुका हूँ उसको। भाई इस सीरीज के जो डायरेक्टर है ना नागर शुल भाई, इन्होंने जो काम करके दिखाया ना, मैं तो फैन हो गया, इतना औसम काम करा है। मैं अभी से कहता हूँ सर, एक फैन, मूवी का रिजल्ट कुछ लिया है मगर मैं आपका फैन हो गया सर, आपका काम देख के। इस ट्रेलर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इस ट्रेलर में वो दृश्य दिखाया गया है ना, मतलब भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था अपने इंडियन डायरेक्टर से वो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने डायरेक्टरों को काम दिखाना नहीं आता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग अपने काम में बेस्ट है और कुछ तो लेजेंड है भाई, काम पर तो सवाल उठाना मतलब बाहुबली की तलवार पे। मगर हाँ, बात इतनी भी सीधी नहीं है, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है जिनका भाई एक ही लक्ष्य है, लोगों को काटो और पैसा छापो। ये गंदी सी राय ली मैंने लिखी, और अपने जो लेजेंड है उनका काम देखने के बाद दिल को सुकून मिल जाता था भाई, मगर फिर भी दिल में एक आशा रहती थी कि इससे बेस्ट कुछ हो सकता था। कि हमने माल मसाला तो बहुत बना लिया था, पैन इंडिया में हम छा चुके थे, मगर गुरु साइंस फिक्शन से आज भी हम बहुत दूर। जैसे साइंस फिक्शन को लेकर हमारे मन में कोई उम्मीद जगती थी, कोई अच्छा डायरेक्टर आके उम्मीद जगाता था, मगर एक ऐसी मूवी आती थी कि सारी उम्मीदें खत्म हो जाती थी भाई। हाँ मैं बात करूँ आदि पुरुष, मगर यार मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि आदि पुरुष जैसी मूवीज का भी आना बहुत जरूरी था, उन्हें लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? अगर सभी अच्छा काम करते रहेंगे तो लोग तो आज ही हो जाएंगे। पूरा करो यार, मुझे लगता है आदि पुरुष मूवी को आना बहुत जरूरी था, वरना लोग कल की मूवी को इतना भाव देते नहीं देते यार, मगर अब देंगे क्योंकि हमारे सामने कचरा पड़ा है और कोई उसी रेट का सोना लेके आ गया। तो गुरु दुनिया की नजर इस सोने पे है, मेरा हाथ खाली है। जैसा नागार्जुन में विजन है ना, उसको देखने बाद अब मैं भी कह सकता हूँ कि हमारे पास भी अपने एवेंजर्स है भाई, और ये कोई मार्वल के बनाए हुए कैरेक्टर नहीं है, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका जैसे, ये रियली हो रहा है भाई, इन्होंने सच में इस दुनिया को बचाया है। हम सब इनकी कहानी सुन के बड़े हुए हैं कि कैसे हनुमान जी ने अपनी सबसे छोटी फिंगर पे पूरा हिमालय रख के उठा के ले आए थे, मतलब सुपरमैन ये सब बनावटी करेक्टर। और इसी चीज को समझते हुए नाग अश्विन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और हमारे बीच में लाए कल्कि का यूनिवर्स, और गुरु ये यूनिवर्स सच में बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें जो कैरेक्टर है वो रियल है। हाँ कहानी थोड़ी काल्पनिक हो सकती है, मगर कैरेक्टर वैसे अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि इस मूवी के और भी पार्ट बनेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कल की मूवी बहुत पार्टों में डिवाइड होने वाली है, इसलिए निराश बिल्कुल मत होना। और गुरु इस मूवी की मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि ये मूवी 600 करोड़ में बनी है। सेम इसी बजट में एक मूवी और बनी थी जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, तो अब लोग ये नहीं कह पाएंगे कि इस मूवी का बजट कम था, कि भाई पैसा इसमें भी उतना लगा है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही होने वाला है कि कल की असल में कौन थे, जितना मैं समझा पाया समझ लेना, बाकी ऊपर वाले तो भरोसे। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे इसके पूरे ट्रेलर का। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जो करना कर दो, फटाफट शेयर कर दो यार। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके टाटा बाय बाय। जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी ऊपर आ रही है।